रीवा जिले के अंतर्गत, जहां आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल जिला रीवा तहसील इकाई के तत्वाधान में जाए। आपको बता दें ग्राम पंचायत के गौशाला के अभिनियम गौशाला की अनियमितता की जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने हनुमाना एसडीएम को जांच के लिए सूचना दी है। और वहां आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा 8 सितंबर को आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा, उसी के संबंध में लिखित सूचना दी गई है। वहीं आपको बता दें क्षेत्र में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती हैं। वहीं आपको बता दें गांव के निर्मम हत्या के संबंध में भी एवं तस्करों के संबंध में सूचना मिली है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल सुनील मिश्रा संभागीय मंत्री के द्वारा सूचना दी गई है। आंदोलन प्रदर्शन में पहुंचने की अपील की गई है। जापन ओपन भी है आज। ये ज्ञापन दिया किसके संबंध में, क्या है ये? मैं ज्ञापन दिया हूँ विभागीय अधिकारी महोदय को, क्योंकि मैं निरंतर अधिकारियों से मैं ज्ञापन देता रहा कि अपने पूरे रीवा जिला में 827 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ को तो छोड़िए हमना ब्लॉक है हमारा, 98 पंचायतों में आज एक भी गौशाला ऐसी नहीं बनी। अरबों रुपए कम से कम सरकार ने अरबों रुपए इसमें खर्च की है गौशाला के नाम पर, गौ माताओं की रक्षाओं के लिए, लेकिन ना तक कहीं गौशाला बन पाया है ना कोई गौशाला संचालित हो पाया है। तो मैं यही इज्जत महोदय को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करने आया था कि मैं 8 तारीख को, यानी आज 6 तारीख है शायद, 8 तारीख को मैं उग्र आंदोलन के साथ यहाँ आऊँगा। अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं इसके लिए कलेक्टर साहब का भी घेराव करूँगा, दिल्ली जाऊँगा, भोपाल जाऊँगा, जहाँ जाना पड़ेगा जहाँ जाऊँगा। लेकिन क्योंकि इन आवारा गौ माताओं की वजह से, आप देखते होंगे सड़क मार्ग में कई सारी दुर्घटना होती है गौ माताओं की वजह से, आज घोर अकाल पड़ चुका है, पानी गिर भी रहा है लेकिन कोई खेती करने वाला नहीं, क्योंकि गौ माताओं की वजह से बिल्कुल खेत साफ का साफ है। आज किसान खाने बाहर मर रहा है, सरकार बोलती है कि मैं गौशाला के लिए कर रही हूँ, यह कर रही हूँ, लेकिन कोई कार्य रिकॉर्ड में हो रहा है, टोटल काम रिकॉर्ड में, इसी के मामले में आज अधिकारी मोदी के पास आया था। आज केवल ज्ञापन दिए हैं, 8 तारीख को आपका आंसर वो क्या होगा, हड़ताल होगा, आंदोलन होगा, क्या रहेंगी मांगे आपसे? मेरी मांग है कि अपने हनुमाना ब्लॉक में 98 पंचायतें हैं, उन 98 पंचायतों की जांच हो, जो गौशाला निर्मित हो चुके हैं वो गौशाला संचालित हो, जो गौशाला अभी रिकॉर्ड बस में है तो उस गौशाला को संचालित किया जाए, गौशाला गाय माता जो हमारी गौ माता हैं तो रोड पर दर दर न भटकें, दुर्घटनाग्रसित न हो, क्योंकि हम हिंदू धर्म में हैं, हिंदू धर्म के नाते जब हम उनको माता कहते हैं तो माता हमारी अगर रोड में सड़ रही है गल रही है तो ये हिंदू धर्म का अपमान है। मैं चाहता हूँ गौशाला जो गौशाला बन गए हैं वहाँ पे ले जाके गौ माताओं को रखा जाए।